ये माध्यम से। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, जिनमें वैदिक कालीन संस्कृति का सम्यक निदर्शन प्राप्त होता है। वेदों में कला एवं शिल्प के उन्नयन के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं। उस काल में वास्तुकला, प्राचीन मंदिर निर्माण कला एवं गृह निर्माण कला अपने उत्कृष्ट रूप में थी। वेदों और पुराणों में सोमनाथ मंदिर का महत्व अत्यधिक है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण चंद्रदेव ने किया था। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। यह गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित है। इस समुद्र के किनारे 12 और 13 नवंबर 1947 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल यहां पर आए थे और इसी समुद्र के किनारे उन्होंने समुद्र के जल को अपनी मुट्ठी में लेकर एक संकल्प लिया था कि इस जगह पर एक नया और शानदार भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। मेरी नजर में सोमनाथ का पुनर्निर्माण उस दिन पूरा होगा जब इसकी नींव पर विशाल मंदिर के साथ ही समृद्ध और संपन्न भारत का भव्य भवन भी तैयार हो चुका होगा। समृद्ध भारत का वो भवन जिसका प्रतीक सोमनाथ मंदिर होगा। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये सपना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। 11 मई 1951 को पहली बार सोमनाथ शिवलिंग की जो प्राण प्रतिष्ठा थी वह तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी, किंतु यह निर्माण तो वर्तमान है, मगर इसका निर्माण के बारे में जाना जाए तो इसका इतिहास भी अनोखा और हमारे पुराणों, वास्तुकला और विज्ञान के अनुसार आगे बढ़ती है। माना जाता है कि भगवान के नाम पर इस मंदिर का नाम सोमनाथ कहा गया है। सोमनाथ का मतलब चंद्रमा होता है। चंद्रमा की 27 पत्नियां थी जो दक्ष प्रजापति की कन्याएं थी। यह 27 कन्याएं भारतीय खगोल विज्ञान को भी बताता है, जो 27 नक्षत्र होती हैं। जो इसमें प्रमुख नक्षत्र होता है वह रोहिणी है और रोहिणी चंद्रमा की पहली पत्नी थी और चंद्रमा का प्रेम रोहिणी के प्रति ज्यादा था। इसके चलते इनको दक्ष प्रजापति का श्राप झेलना पड़ा। उस श्राप के चलते वो खंडित हुए और उसके बाद चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की और शिव भगवान से वरदान प्राप्त किया। इसके पश्चात पुनः उसी गौरवशाली स्वरूप में आए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मंदिर बना करके पूजा अर्चना की। उसी के ऊपर पहला सोमनाथ मंदिर बनाया गया और जब जब मंदिर टूटता रहा और बार बार बनता रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बतौर ट्रस्टी व अध्यक्ष पिछले 10 वर्षों में सोमनाथ मंदिर के विकास को नई दिशा दिखाई। उनके नेतृत्व में गर्भगृह व शिखर के कलश को स्वर्ण मंडित और लाइट एंड साउंड से मंदिर को रोशन किया गया। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे बाण स्तंभ हैं, जो बहुत प्राचीन है। लगभग 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसका निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था और क्यों कराया था। जानकार बताते हैं कि बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर अर्थात बाण बनाया गया है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योति मार्ग। इसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर के उस बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक एक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है। कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीध में कोई बाधा नहीं है। इससे यह पता चलता है कि भारतीयों के पास जो विज्ञान था उस समय में भी कितना विकसित था।
भारतीयों के द्वारा बनाया गया यह बाण स्तंभ आज भी इस चीज का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हमारी साइंस टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा उन्नत थी, जो आज सोमनाथ मंदिर का भाग है। और यह मंदिर हमारी संस्कृति, भक्ति और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी वास्तुकला का प्रतीक बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और आज ये मंदिर हर काल को पार करके अनेक भारतीयों की आस्था और धार्मिकता का केंद्र है। जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिनाइन पैरो